अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शुभबतीक व्यूअर्स। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ बचा हुआ फैब्रिक है जिसका मैंने पिछली अपनी वीडियो में एक डिजाइनिंग बनाई थी और इसके साथ मुझे ये फैब्रिक बच गया था। शलवार का कपड़ा कुछ ज्यादा बचा था और जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसका बहुत थोड़ा सा फैब्रिक है और उसके साथ मैंने ये लेस ले ली है और साथ में ये कंट्रास्ट में जो फैब्रिक था ये भी ले लिया है। तो यहाँ पर जो प्लेन फैब्रिक है इससे मैं फ्रंट की चोली निकाल रही हूँ जिसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 12.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई 10.5 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि इसमें से हमने बटन पट्टी भी बनाना है इसलिए चोली की विड्थ जो है वो ज्यादा रखी है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बटन पट्टी के लिए फोल्ड कर लेना है। तकरीबन 1.4-1.2 इंचेस जितने भी आपको लगे वो आप फोल्ड कर लेंगे। टीरेस का मैं 5.6 इंचेस तकरीबन ले रही हूँ और इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 5.7 इंच है और चेस्ट इसकी 6.5 इंचेस ले रही हूँ। जो वेस्ट है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर्व रखा है लेकिन बाद में फिर इसको मैं थोड़ा सा कर्व इसका कम कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्जिन की लाइन्स लगाई है और जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है उसकी लाइन लगाई है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है इसको, इस तरीके से हमने सारा कटिंग कर लेना है। ये देखे, यहाँ से मैंने फिटिंग की जो शेप वो थोड़ी सी चेंज कर दी है और इसी तरीके से हाला जो है वो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। 2.5 तकरीबन इंचेस इसके लेंथ और विड्थ दोनों रखी है। नीचे से हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसके साथ ही बैक पार्ट हमने बिल्कुल सिंपल से इसका कटिंग करना है। तो बैक पार्ट को हमने जस्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख के तो इसको हमने आराम से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और ये इसके बाद हमने जो है ना क्या करना है, फ्रंट पार्ट की जो डीप कटिंग थी आर्म होल की वो भी कर लेनी है। अब प्रिंटेड फैब्रिक हमने उठाना है, एक हमने दो पट्टियां इसकी चौड़ी कटिंग करनी है और दो इसकी पट्टियां जो है ना हमने कम कटिंग करनी है। यानी बड़ी पट्टियां जो है वो हमने 3 इंच की कटिंग की है और छोटी पट्टियां जो है ना वो 2 इंच की हमने कटिंग कर लेनी है फ्रिल बनाने के लिए। और इसके साथ ही हमने इसको सारों को अलग अलग कर लेना है इन पट्टियों को। ये देखे, यहाँ पर दो हमारे पास चौड़ी पट्टियां हो गई और दो थोड़ी कम चौड़ी हो गई। इस तरीके से हमने जो प्लेन फैब्रिक लिया था वो ले लेना है 1-1 इंच का, सेम साइज का 1-1 इंच पे हमने कटिंग कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको कुछ इस तरीके से रख के नीचे वाली साइड पे इसको स्टिच करना है कि हल्की सी पाइपिंग के तौर पे ये ऊपर छलके इस तरीके से नजर आनी चाहिए। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने प्रेस कर लेना है, नीचे से इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा से इसको फोल्ड करके इसको अच्छे से हमने सिलाई कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी ऊपर वाली जो एजेस है इनको भी स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ पर बारीक बारीक फोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों को अगर इजी लगे तो आप फोल्ड करें या तो पीको भी इसको करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक इसको ऊपर से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो बड़ी पट्टी है और एक जो छोटी पट्टी है उसके ऊपर रखनी है बड़ी पट्टी के, और इनको एक दूसरे के साथ बराबर करके हमने इसके साथ बड़े बखिये के साथ एक जो है ना इसके ऊपर ऊपर सिलाइयां लगा लेनी है ताकि फ्रिल हम इसकी बना लें। और हल्की हल्की सी इस पर चुनट आ जाएगी, बहुत ज्यादा हमने चुनट वाली जो फ्रिल है वो नहीं बनानी। तो इस तरह से हमने इस पे बड़े बखिया करके इस पे सिलाइयां लगानी है, धागा खींच के ऊपर इसकी चुनट लगा लेनी है और जितना भी हमारा चुनट आना चाहिए उतना लगा लेना है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट उठाना है, इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे, इस तरीके से कटिंग करके इसको अलहदा कर लेंगे। देन इसके बाद क्या करना है कि जो इस तरीके से हमने ना एक कर्व का निशान लगा लेना है इतना, और इसके बाद इसी को हमने उठा के ना दूसरे पे भी इस तरीके से रखना है, प्लेस करना है और चौक के इस तरह से मार्क को थपथपाएंगे तो दूसरी तरफ भी मार्क आ जाएगा। और इसको भी हमने इस तरीके से इसको भी मेंशन कर लेना है और इसके ऊपर हम अपनी जो है ना फ्रिल अटैच करेंगे इस तरीके से। जो कहाँ तक हमने इसको अटैच करना है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बटन पट्टी जहां तक आएगी बस ये इस एज के अंदर अंदर आ जाए इतना हमने इसको अटैच करना है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा इसको फ्रिल को अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने मार्क कर लिया कि कहाँ तक हमारी फ्रिल आनी चाहिए। जस्ट अब हम इसके साथ इसको रख के अटैच कर लेंगे। ऊपर वाली जो शोल्डर वाली साइड होगी ना इसको हमने स्टिच कर लेना है फोल्ड करके, क्योंकि ये शोल्डर में स्टिच नहीं होगा, ये अलग ही रहेगा, क्योंकि जो है ना शोल्डर में इसको हम स्टिच नहीं कर पाएंगे और इसको अलग ही रहना है तो इसको भी हमने सिक्योर कर लेना है। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना शोल्डर का हिस्सा सिलाई का छोड़ के नीचे से हमने इसको स्टार्ट करना है और जहां जहां हमने इसको मार्क किया हुआ है इस तरीके से ही हमने इसको मार्किंग के ऊपर चलाते हुए इसको जो है ना अटैच कर लेना है यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से।
चुन्नट को थोड़ा थोड़ा हाथों से बराबर करते जाएंगे, कहीं पर भी ज्यादा और कहीं पर कम नहीं होनी चाहिए। और जहां तक हमने इसको मार्क किया था वहां तक आके इसको हमने एंड कर देना है। देन दूसरी साइड पर भी इस तरीके से हम करेंगे। और आप लोग अगर चाहें तो इसके नीचे ना पेपर भी रख सकते हैं, जो ताकि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल भी खिसके नहीं अपनी जगह से। और इस तरीके से फिर हमने क्या करना है, अपनी लेस उठा लेनी है और ये जो बटन पट्टी हम फोल्ड करेंगे इसके नीचे हमने ना अपनी लेस भी देते जाना है। और इस तरीके से इसको बटन पट्टी को हमने स्टिच कर लेना है और ये इसके नीचे आ जाएगी फ्रिल। तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारी जो है ना ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच कर देना है, लेस को साथ साथ बटन पट्टी के देते जाना है और इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइड को अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और ये आगे हमारी बटन पट्टी और फ्रिल हमारी रेडी हो गई है। देन अब हमने बैक पार्ट इसके ऊपर रखना है और इसके शोल्डर्स को हमने आपस में ज्वाइंट कर लेना है, सिंपली इसको हमने ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद इसका हम नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर आड़ी पट्टी एक ले ली है, जो हमारे पास एक प्लेन फैब्रिक था उसकी मैंने आड़ी पट्टी ली और दोनों साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको हमने नेक पे कुछ इस तरीके से लगाना है और इसके साथ साथ हमने ना ये जो लेस अटैच की है बटन पट्टी में इसको भी देते जाना है। इस तरीके से साथ साथ लेस भी लगाना है। तो इसको इस तरीके से हमने कंप्लीट करना है अपनी नेक लाइन को। बहुत ही आसान तरीके से ये एक ही सिलाई में पूरी नेक लाइन कंप्लीट हो जाएगी और बहुत फिनिशिंग से ये कंप्लीट होगी। यहाँ पर एंड पे आके हमने इसको एंड कर देना है कपड़े को और इसके बाद इसको भी फिनिशिंग के साथ हमने फोल्ड करके इसको एंड कर देना है। फिर इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। नेक हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक मैंने ले लिया है और उसके ऊपर वाली साइड पे कुछ इस तरीके से प्रिंटेड फैब्रिक है, स्टिच करके इस तरीके से पॉकेट की डिजाइनिंग कर लूंगी। और इसको फिर हमने नीचे से कुछ इस तरीके से कर्व देके पॉकेट हमने जो है ना कर्व वाली बनानी है, ठीक है। दोनों साइड हम इस तरीके से कर लेंगे और इसके बाद जो अपनी लेस है उसको इस तरीके से हमने सिलाई कर लेना है। सिलाई करके इसके ऊपर कुटके लगाएंगे। कुटके लगाने के बाद इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से हमने सीधा कर लेना है। प्रेस करके इसको हमने इसकी अच्छे से शेप दे देनी है और इसको जो है ना फिर हमने यहाँ पर अपने जो शर्ट है फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर प्लेस करना है। जहां पर भी आपको सुइटेबल लगे तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर लगाएं और इसके बाद इसको हमने कॉमन पिन से स्टेबल कर देना है और इसके बाद जस्ट इसके ऊपर हमने एक एक सिलाई से इसको स्टिच कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमारी ये पॉकेट बन जाएगी और बच्चियों के फ्रॉक्स पे इस तरह की डिजाइनिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, रेडीमेड लुक आती है, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, नीचे से भी इसको हमने ना स्टिच करके ज्वाइन कर देना है ताकि जो फ्रंट पार्ट है हमारा बार बार अलग ना हो। और इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका जो छोटा सा है ना वो घेरा बनाना है। ज्यादा घेरा इसका नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी जो घेरे की विड्थ है वो 23 इंचेस है और लेंथ है वो 9 इंचेस है। तो इसके हमने सिंपली क्या करना है, जो अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है इसको इस तरीके से हमने सेंटर में फोल्ड करना है दोनों तरफ से और इनमें कुटके लगा लेने हैं ताकि हमारे पास ये निशाने आ जाए। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो घेरा है इसके साथ ये प्लेन फैब्रिक भी स्टिच करना है। स्टिच करके इस तरीके से ही बिल्कुल जिस तरह से हमने फ्रिल में बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको हल्की हल्की सी पट्टी लगा लेनी है। देन इसको हमने फिर क्या करना है, सेंटर में रखना है इस तरीके से और जहां पर हमने कुटके लगाए थे वहां पर एक बॉक्स प्लेट इस तरीके से कुछ हमने बनाना है। ये इस तरीके से हमारे पास प्लेट्स बनानी है। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने दोनों साइड पे बस एक एक प्लेट बनानी है और बहुत ही सिंपल से स्कर्ट सा जो है ना इसके ऊपर लुक आना चाहिए और हमने इसको फ्रॉक वगैरह की तरह नहीं करना, चुनट वगैरह नहीं डालनी। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके में आप लोगों को बता रही हूँ, जो अपना घेरे का सेंटर है वो अपने जो चोली के सेंटर पे इस तरीके से रखना और जो हमने प्लेटों के लिए कुटका लगाया था वहां पर आकर हमने ना अपनी प्लेट्स डन कर लेनी है। इस तरीके से दोनों साइड्स की प्लेट्स हमने सेंटर करके बना लेनी है और फिर इसको हमने स्टिच कर लेना है क्योंकि इस पे फैब्रिक भी इतना ज्यादा नहीं है तो बहुत इजीली ये जो है ना आपको प्लेट आराम से बन जाएगी और आराम से जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कम कपड़े में किस तरीके से हम यूज करके उसको ना डिजाइनिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना थोड़ा कपड़ा था और उसी में हमने कितनी अच्छी डिजाइनिंग इसकी कर ली हुई है। तो दूसरी साइड पे भी इसको हमने इस तरीके से प्लेट डाल लेनी है और ये जो है ना घेरा हमारा दोनों साइड पे हमने इस तरीके से अटैच कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों का इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है।
प्रेस करके इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। मैं अभी आपको इसकी लुक चेक करवा देती हूँ, इसकी ये लुक आएगी। देन हमने सिंपली इसकी जो स्लीव्स है वो रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की लेंथ 11 इंचेस ले ली है और विड्थ 6.5 इंचेस ली है। बिल्कुल सिंपल जो स्लीव्स की जो शेप होती है वो हम इसको देंगे और इस तरीके से इसमें भी हम प्लेट्स लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे भी इसकी तिकोनियाँ इस तरह से जाएंगी। दोनों को हम प्लेट्स को अच्छी तरीके से प्रेस करके बिठा लेंगे और ये हमने पट्टी रखनी है और इसके साथ ये लेस लगा लेनी है। सिंपल हमने जो है ना अपनी स्लीव्स रेडी करनी है और इसको अपनी शर्ट के साथ आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है जस्ट। और इसके बाद सिंपली हम जो अपने काम करते हैं फिटिंग वाला वो करना है और फ्रॉक हमारी रेडी हो जानी है। दोनों साइड्स के स्लीव्स को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे और जस्ट हमने स्लीव से लेते हुए फिटिंग की सिलाइयां लगाते हुए घेरे के एंड तक चले जाना है और यहाँ पर हमारी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी जो है ना शर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल थोड़े से कपड़े में कितनी प्यारी सी फ्रॉक हमारे पास बन के रेडी हो गई है। तो कैजुअली वेयर की भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई और मजीद ऐसे ही प्यारे प्यारे डिजाइन के लिए कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा आप लोगों को ये डिजाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।